हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं ला पाई। दो तीन दिन से मैं शूट ही नहीं कर पाई, आप लोगों को बता दूँ। और शूट भी जैसे तैसे किया भी तो एडिट नहीं कर पाई, और मैं क्या ही बताऊँ, टाइम ही नहीं मिलता है। और ठंड तो जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आई होप आप लोगों की तैयारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक तो ये समय है कि कुछ समझ नहीं आता कि तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए। ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो सोचती हैं कि अब क्या ही किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो मालूम है कि वैकेंसी तो यदि आप तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो सकेगा 1 साल 2 साल 3 साल में हो लग जाएं। तो बस यही है, यदि आप भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, बहुत सारे ऐसा होता है कि मैरिज के बाद कई सारे काम, कभी कभी हम चाहते हैं कि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है बीच में। तो बस ये डिस्ट्रैक्शन कह दीजिए या कह सकते हैं मेंटली प्रिपेयर ना होना। यदि हम टाइम थोड़ा बहुत निकाल भी दें, लेकिन मेंटली प्रेशर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको परेशान कर ही देगा। दिखेगा नहीं कि आप परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान आप हो ही जाते हैं। मैं क्या, आप क्या, कोई भी हो। उसके बाद मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करना किसी भी एग्ज़ाम की इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लोगों को लगता है। तो फ्रेंड्स, तब भी लेकिन करना है ना, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग भी जिम्मेदारी हो चाहे जो भी हो, अब 1-2 घंटे 3 घंटे, और मैंने भी स्टडी मेरी बंद सी चल रही है, लेकिन मैं भी अब कंटिन्यूटी से स्टार्ट कर ही दूँगी। 2-4 दिन से हमेशा 1-1.5 घंटे पढ़ पा रही थी, लेकिन अब 2-3 दिन से मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज क्या है, अब 2-3 दिन से तो तैयारी में ही लगी हूँ कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए सामान में, क्योंकि मुझे भी शादी में जाना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन है ज़्यादातर पूछते हैं दीदी कैसे स्टार्ट करें, तो मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और ये हो जाता ना, अब तो मैं भी डाउट में पड़ चुकी हूँ कि मैं अब BTC में मैंने इन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया है, तो अब मैं BTC का देखूँ कि अब मैं TGT का देखूँ। बस अर्थ ये है कि सरकार भी ना, यदि टाइम से वैकेंसी निकाल देना तो बिल्कुल ये रहे कि तैयारी तो पहले से ही करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यदि हम पहले से पढ़े रहते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती। बस यही स्टार्ट कर दीजिए, और कहीं ना कहीं 24 में तो मौका मिलेगा। हालांकि हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं किसी से कि हमें कोई खुशी देगा, बल्कि मुझे लगता है कि जो खुशी है ना, तो वो हमें अपने अंदर से ही मिलेगी, दूसरों से बहुत ही कम करनी चाहिए। और लेकिन क्या ही जब बताया जाए, सामाजिक प्राणी है ना, सोशल जो पर्सन रहते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हमें सबके साथ में सबके प्रेम स्नेह से सबसे ज़्यादा सबसे खुशी मिलेगी। बल्कि ये है, बस यही मैं कहूँगी कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए। जैसे मैं, ये नहीं मैं आप लोगों को बस कह रही हूँ, मैं खुद ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फिर मुझे कोई समझे या ना समझे, बस यही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं भी अब बीच में बहुत डाउट में चली गई हूँ कि क्योंकि अब क्या ही बताया जाए, मैंने पढ़ रही थी TGT का, TGT की वैकेंसी भी नहीं आती है। और जैसे आप लोग जानते हैं, आती भी है तो लग रहा था TGT में पढ़ें, तो फिर TGT, और फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आप DED कर लीजिए, तो फिर ये हो जाता। अब तो मैं और ही ज़्यादा डाउट में चली गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं TGT पढ़ूँ कि ये इसको पढ़ूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, जो सामने होगा वो, कहते एक ऑप्शन और खुल गया, जो सामने होगा उसी को देखा जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला तो ये मेरा साइड हसल है, जैसे मैं आपको लोगों को कई बार बता चुकी। तो फिर मैंने एजुकेशन में मेहनत तो बहुत की, लेकिन मुझे अब मेरी हिम्मत लगता है कम ना जाए, फिर से अपने आप को मोटिवेट रखना ही होगा। मैं भी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, 2-3 दिन मेरा डिस्टर्ब हो गया है, और प्लस अपने आप को मोटिवेट करना और अपने आप को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मैं 1-1.5 साल से अपने आप में कोशिश करके भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि मानसिक रूप से कभी कभी क्या हो जाता है, मेंटली प्रेशर बढ़ ही जाता है, कह सकते हैं ना, मेंटली परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, हम किसी के साथ अच्छा करें, लेकिन हम यदि किसी से भी उम्मीद करें ना, तो ज़रूरी नहीं कि हमें वो उतनी ही खुशी दे, ये चीज़ हो जाती है। क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ ज़्यादा हो जाती है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं, यदि हम थोड़ी सी भी करें, यदि वो भी पूरी ना हो ना, फिर ये लगा करता है कि चलिए अब क्या ही मतलब निकला ऐसे रिश्ते का, ये चीज़ हो जाती है। जब भी चलिए फ्रेंड, जो भी है सबके साथ एक जैसा, बस ये सोचिए कि हम ही आगे बढ़ जाएँ
और जितना हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हो सके उतना हम करते जाएं। और आप लोग भी यदि आपको स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करिए। और सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना था, मैंने बताया था आप लोगों को पिछले ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूट मैंने ख़रीदा था मीशो से और फिर मैंने ये प्रीति को दे दिया है, अपनी ननद को दे दिया, वो आज अभी फंक्शन है तो उसमें पहनेगी। और ये मेरा वहीं यहाँ से हम सिलाई कराने, यहाँ हम गए थे फिटिंग कराने। और एक ब्लैक ब्लाउज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, वो तो उसमें भी फिटिंग कराना था तो मैंने उसको भी डाल दिया है फिटिंग कराने के लिए। अब मालूम नहीं कब तक वो हो जाएगी कंप्लीट। आदि ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लाउज इसको मैंने ना इसमें शोल्डर कटिंग में करा लूँगी और बस यही है। और आई होप आप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग महाराजगंज में भी कितनी सारी ट्रैफिक है, लेकिन हालांकि आज तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है और हल्की धूप भी निकली हुई है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि आज कोई खास दिन भी नहीं है, इस वजह से कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। देखते हैं ये दीदी कितने दिन तक कंप्लीट करके देंगी मेरा ब्लाउज़। और अब क्या है कि मुझे घर भी जाना है, अपनी भैया की शादी में जाना है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कह सकते ना तैयारी करनी ही होगी, तो बस उसी तरह की। और मेरी फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ भी एनिवर्सरी है तो उसकी वजह से भी तो मैंने मेरा ब्लाउज़ एक है तो फिर मैंने उसको सही कराने के लिए डाल दिया है, अभी मंगाया है ऑनलाइन तो फिर उसको करा लेंगे, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन मिला लूँगी। और फ्रेंड्स और चलिए आगे मेरी चाय गर्मा गर्म, और चाय पीने के बाद आप लोगों का भी वेलकम है कि आप लोग भी बढ़िया गरम गरम चाय पी लीजिए क्योंकि वहाँ से आने वाली बड़ी ठंड लगी थी। फिर मैंने चाय बनाई और इसके बाद चाय पीने के बाद फिर मुझे जाना था। क्या है कि थोड़ा सा मुझे पाजे टाइप की पायल लेना था तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप ले लीजिएगा, तो बस फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम गए पाजे वाले, अभी तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद गए थे हम पायल लेने पाजे टाइप की, लेकिन मुझे उस हिसाब से पायल, जिस हिसाब से पायल चाहिए थी ना उस हिसाब से पायल मुझे मिली ही नहीं थी। लेकिन तब भी कोई बात नहीं, अब जैसा भी है। तो हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है, हम पहुँच गए हैं और इस दुकान में गणेश करके कुछ है, गणेश मंगलम करके कुछ भी, ये आप देख सकते हैं ये शॉप है, ये शॉप गोल्ड की है। तो अच्छा यहाँ देखिए इस तरह काफ़ी सारी मैंने पाजे देखी लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मुझे पायल मिली ही नहीं, फिर मैंने नहीं ली। हालांकि देख सकते हैं आप लोगों को कैसी डिज़ाइन अच्छी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए लूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। हाँ तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैंने रिंग देखी थी क्योंकि मुझे भी मेरी, जैसे मैंने अपने आपको बताया था कि मेरी पुरानी रिंग खो गई थी या कह सकते धोखे से गिर गई थी, और बस फिर मैंने सोचा क्यों ना आप डेली यूज के लिए एक अच्छी सी रिंग ले ली जाए, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये हो जाता है ना कि हमेशा गोल्ड पहनना चाहिए एक, तो बस वही चीज़ है, आदत रहती है ना, और मैं हमेशा से गोल्ड पहनती थी तो बस वही है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं मैंने दो तीन रिंग पसंद कर ली, इसकी फिर उसके बाद मैंने कौन सी रिंग ली।